हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी एसएससी मेंस की तैयारी में लगे होंगे, और जिनका सीएचएसएल है 2022 के टीयर वन का, वो भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, एसएससी एमटीएस 2020 की जो रिजल्ट आ चुका है और जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो चुकी है, उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि मैं एसएससी एमटीएस 2020 से सिलेक्टेड हूँ, मुझे छत्तीसगढ़ स्टेट एलोकेट हुआ था और मेरे को जो डिपार्टमेंट मिला था वो नेशनल स्टैटिस्टिकल मिला था, और मेरी अभी तक उसमें ज्वाइनिंग नहीं है। और मेरे को जो सिटी मिली थी वो रायपुर मिली थी। तो ये बता रहा था कि मेरी अभी तक मतलब ज्वाइनिंग नहीं आई है। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे मेरे से कमेंट में कि भैया आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी है या नहीं, तो मेरी अभी तक नहीं आई है, उनको बता दूँ। और बहुत से डिपार्टमेंट की आ चुकी है ज्वाइनिंग, और कुछ एक की बची हुई है अभी तक, और कुछ एक की मतलब प्रोसेस चल रहा है, आ रहे हैं उनके ज्वाइनिंग लेटर। तो ये मैं बता रहा हूँ कि मेरी अभी तक क्यों नहीं है। जैसे कि मेरे को 2 महीने पहले डिपार्टमेंट से फ़ोन आया था कि उनको मेरा एड्रेस समझ नहीं आ रहा था, मतलब मैंने उसमें कॉमा या वगैरह स्पेस नहीं दिया था गांव के नाम के आगे, तो पूछ रहे थे कि, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो वो बोले 1 हफ्ते बाद आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो 2 महीने से लेकर अब तक ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं है। और मैंने वहाँ पर कॉल किया था तो वो ये बता रहे थे कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमने दिल्ली हेडक्वार्टर में भेज दिए हैं, जैसे हमको वहाँ से परमिशन मिलेगी हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी तक, जैसे मैंने 1 महीने पहले फ़ोन किया था तब कह रहे थे कि अभी तक हमने लेटर लिख दिया है, तो जैसे ही अपडेट मिलेगा आपको बता देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। और अभी मैंने संडे को भी फ़ोन किया था, उनके मेन हेड से, डिपार्टमेंट के मेन हेड से बात की थी, तो एक तो वो संडे से फ़ोन किया था इसलिए वो थोड़ा सा चिढ़ भी गए थे मेरे से कि आपने संडे को फ़ोन किया, और फिर बात भी कर ली थी, ऐसे तो अच्छे थे वो। तो उन्होंने कहा था कि हम एक बार और अप्लीकेशन लिख देंगे आपकी ज्वाइनिंग के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही वहाँ से अप्रूव होगा तो हम आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लेंगे और आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे। तो ये था मेरी प्रोसेस, मैंने अभी तक बात की है लेकिन अभी तक कुछ बात बन रही है ज्वाइनिंग के बारे में, बोल रहे हैं वेट करो थोड़ा सा, एक या 1.5 महीने में आ जाएगा। तो ये था मेरी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। और बहुत से स्टूडेंट जिनकी हो चुकी है वो अपना कमेंट ज़रूर करके बताना कि किनकी हो चुकी है, किनकी नहीं हुई है। तो जिनकी भी हो चुकी है वो कुछ कमेंट करना, और जिनकी नहीं हुई वो भी कमेंट करना। तो ये था मेरी एसएससी एमटीएस 2020 के बारे में, और मैंने एसएससी एमटीएस 2021 भी दे रखा है, और उसका भी अभी अफवाह चल रही है कि 10 फरवरी से डीवी होंगे, लेकिन 10 फरवरी से डीवी नहीं होंगे। डिपार्टमेंट से बात हो चुकी है, एनआर से हेडक्वार्टर मतलब एनआर में वो कह रहे हैं अभी 10 फरवरी से कोई नहीं है, वो टेंटिवली डेट है, वो आगे अपडेट होगी। तो ये था मेरे ज्वाइनिंग के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो करते हैं ये एंड, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।